सत श्री अकाल स्पीड न्यूज देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। उत्तर भारत के पहाड़ों तो लैके पूर्वी भारत तक तेज मीह का दौर हाले भी जारी, इस नाल लोगों की परेशानियां बढ़ गई। उत्थे हुण हिमाचल ते जम्मू कश्मीर के उच्चे खेतरां च बर्फबारी भी शुरू हो गई, इस नाल वधी गर्मी तो राहत मिलण लगी है। हिमाचल च वध तो वध तापमान च 2 तों 3 डिग्री सैलसीयस की गिरावट दर्ज की गई है। हिमाचल ते जम्मू कश्मीर च किते मीह ते किते बर्फबारी हुई है। हिमाचल च ज्यादातर थावां ते बदल छाए रहे, उत्तराखंड च भी पहाड़ी खेतरां च हल्के मीह का दौर जारी। इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने जलंधर की विशेष मनी लॉन्ड्रिंग निपटारा एक्ट अदालत सूबे की सबका कांग्रेस सरकार के खुराक नागरिक सप्लाई ते खपतकार मामलों के मंत्री रहे भारत भूषण आशू खिलाफ दोष पत्र दाखिल कर दिया। दोष पत्र च आशू सने 2 दर्जन तो बाद लोगों को मुलजम बनाया गया। मुलजम बनाए गए लोगों च आशू के कुछ रिश्तेदार, नेड़ले सहयोगी ते विभाग के अधिकारी भी शामिल। ईडी ने आशू के रिश्तेदार, करीबियां ते नियमां दे उल्ट जाके लाभ लैण वाले कुछ लोगों की जायदाद समेत 22.78 करोड़ रुपए की जायदाद भी आरजी तौर पर कुर्क। मुख्यमंत्री भगवंत मान की हालत फिलहाल पूरी तरह स्थिर है। इस संबंधी फोर्टिस हस्पताल मोहाली के कार्डियोलॉजी विभाग के डायरेक्टर से मुखी डॉक्टर आर के जसवाल ने दसिया कि उन्होंने मुख्यमंत्री दिल न संबंधी कुछ टेस्ट किए हैं, जिन्हों के नतीजों की अजे बीक है। उन्होंने दसिया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की पलमरी आर्टरी के दबाव वधन कारण उन्होंने दिल से दबाव पै गया, जिस कारण ब्लड प्रैशर अनियमित हो गया। दिल के टेस्टा और जांचा के नतीजे आने तो बाद ही डॉक्टर अगे का फैसला कर। प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदूमाजरा की जम्मू कश्मीर फेरी में लेकर विवाद भगता जा रहा है। अकाली दल ने फोटो शेयर करके चंदूमाजरा से बीजेपी लिए प्रचार करने के इल्जाम लाए हैं। अकाली दल का कहना है कि चंदूमाजरा बीजेपी का प्रचारक है, जिस तो बाद प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदूमाजरा का बयान सामने। उन्होंने कहा कि मैं भाजपा लिए कोई चोन प्रचार नहीं किया, असल में वह जम्मू में आजाद सिख उम्मीदवार प्रचार कर गए हुए थे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पटियाला की राजीव गांधी नैशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के संघर्षकारी विद्यार्थियों के साथ गल की, उन्होंने भरोसा दिता है कि सूबा सरकार उन्होंने इंसाफ दवाने वचनबद्ध है। विद्यार्थियों नाल फोन से गलबात दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सूबा सरकार हर तरह नाल उन्होंने हितों की राखी लिए प्रतिबद्ध है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि विद्यार्थी देश का भविख ने, उन्होंने किसी कारण भी खजल खुआर नहीं होने दिया जाएगा। ईडी ने यूट्यूबर एलविश से उसके साथी गायक राहुल फाजिलपुरिया से शिकंजा कस दिया, दोवों की जायदाद से हमला किया गया। ईडी ने बिजनौर के सब रजिस्ट्रार तो जायदाद बारे जानकारी मंगी सी। ईडी लखनऊ में भेजे जवाब के सब रजिस्ट्रार ने कहा कि गायक राहुल फाजिलपुरिया की बिजनौर जिले के झालू कस्बे 3 एकड़ जमीन है। ईडी की हदायतों से उक्त जमीन की विक्री से रोक लगा दी गई। इस तो पहले ईडी ने यूट्यूबर एलविश की हरियाणा च जायदाद जब्त की। पंजाब के 5 साबका मंत्रियों को कोठियां खाली करने लिए नोटिस जारी किया गया। प्रशासकीय अफसर पंजाब सिविल सकत्तरेत वालों साबका मंत्री गुरमीत सिंह मीथियर, चेतन सिंह जोड़ामाजरा, बलकार सिंह, ब्रह्म शंकर जिम्पा ते अनमोल गगन मान नूं सरकारी कोठी खाली करने लिए नोटिस जारी किया। नोटिस किया गया कि मंत्री दे अहुदे तो हटाए जाने 15 दिनों के अंदर सरकारी कोठी खाली करनी होंगी, इसलिए तुसीं कोठी खाली करके लोक निर्माण विभाग के हवाले करो तां जो नवें बने मंत्रियों नूं कोठियां अलाट कीतियां जा सकन। कहते हैं कि मजबूरी इंसान तो कुछ भी कराउंदी, जिस बारे जिंदगी विच कदे सोचता नहीं है। जिंदगी तो थकिया हारा इंसान आखिर मौत नूं गल लाउंदा है। कुछ अजिही घटना सामने आई दिल्ली के बसंत कुंज इलाके तो, जिथे एक पिता ने अपन 4 बच्चियां सने खुदकुशी कर ली। जानकारी है कि 4ों बच्चे दिव्यांग सन, जिन्हां दे पिता ने 4ों बच्चों नाल जहर निकल के खुदकुशी की है। पता लगे कि 4ों कुड़ियां तुरन फिरन तो असमर्थ सन। उक्त बच्चों का पिता पेशे वजों कारपेंटर से। स्थानक लोगों के दसण मुताबिक उन्होंने 2 वक्त की रोटी भी बहुत औखी मिलती है। हाथरस चंद विश्वास कारण बच्चे का कतल किए जाने की खबर है। स्कूल की तरक्की लिए बच्चे की बलि दी गई। पुलिस ने स्कूल कैंपस में पूजा पाठ से तंत्र मंत्र संबंधित वस्तुएं बरामद की ने। पुलिस मुताबिक बच्चे की हत्या गला घुट के की गई। स्कूल की तरक्की संबंधी तंत्र मंत्र अंधविश्वास की पूरी खेड रची गई। स्कूल संचालक का पिता भी इस खेड के जुड़िया हुआ है। इस तो पहला स्कूल में एक बच्चे की बलि का प्लैन से। मुलजमान ने पूछगिछ भी इस गल का खुलासा किया कि पहला बच्चा शोर मचाने बाद बच गया, तो उन्होंने एक बच्चे को मार दिता है, उसकी बलि चढ़ा दी है। बच्चे की लाश स्कूल के डायरेक्टर की गड्डी में चली। पंजाब दे विच पंचायती चोणां दा ऐलान हो चुके, पर कुछ अजिहे पिंड भी सामने आए जिथे फिलहाल पंचायती चोणां नहीं होणगीआं। फाजिलका हल्के नाल संबंधित जलालाबाद ब्लाक अधीन पैंदे पिंड लादूका ते अच्छा डिक्की दीआं पंचायती चोणां 15 अक्तूबर नूं नहीं होणगीआं। इन्हां पिंडां विच वार्डबंदी ना होण कारण इस वार इत्थे पंचायती चोण नहीं होएगी। इस खिलाफ पिंड वासी अपनी फरियाद लै के फाजिलका दे विधायक नरिंद्रपाल सिंह सावना कोल पहुंचे ते कहा कि उन्हां वल्लों चोणां दी पूरी तैयारी की गई सी, पर ऐन मौके ते उन्हां नूं पता लग्गिआ कि उन्हां दे पिंडां विच इस वार पंचायती चोणां नहीं होणगीआं। सोनीपत के रलाव पिंड में चल रही पटाखा फैक्ट्री अग लग गई। इस हादसे कई कर्मचारियों के जख्मी होने की खबर है, जबकि 3 की मौत हुई तो कई जख्मी ने। 5 लोगों को एंबूलेंस में पीजीआई रोहतक भेज दिया गया। अग बुझाने लिए फायर ब्रिगेड की गड्डियां मौके पर पहुंच गई ने। पटाखे बनाने की फैक्ट्री गैरकानूनी ढंग से चल रही थी। धमाका सवेर वेले हुआ। धमाके का कारण गैस सिलेंडर का लीक होना दसया जा रहा है। फैक्ट्री किन्ने समय तो चल रही थी, इस बारे कोई ठोस जानकारी नहीं है। जब धमाका हुआ तो पता लगे कि पिंड वाले की फैक्ट्री है।
नेपाल के तराई खेतर पिछले 48 घंटे तो हो रही भारी बारिश कारण बिहार च हड़ का खतरा बढ़ गया। पूर्वानुमान के अनुसार अज दोपहर 12 बजे तक कौसी बैराज तो 6.81 लाख क्यूसिक पानी छड़े गया, जदों की वाल्मीकि नगर बैराज तो 6.86 लाख क्यूसिक पानी छड़िया जा सकता है। इस संबंधी जल स्रोत विभाग ने समूह जिला मैजिस्ट्रेटा चौकस रहने के निर्देश दिए ने। इस दे विभाग अधीन आने सारे अधिकारियों की छुट्टियां अगले हुक्मों तक रद्द कर दी गई। फिलहाल स्पीड न्यूज़ में बस इतना ही, मैनू दिओ इजाजत, धन्यवाद।